हेलो दोस्तों, INC24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर हमारी न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करें। अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एयर चीफ मार्शल BS धनोवा मौजूद थे। BS धनोवा ने इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मिराज 2000 ने कारगिल युद्ध के दौरान ऊंची पहाड़ी पर बैठे दुश्मनों को लेजर गाइडेड बम गिराकर नेस्ताबूत कर दिया। उन्होंने कहा कि उस समय 1000 पाउंड के LGB गिराए थे जो अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि उस समय ग्वालियर में मौजूद मिराज की बटालियनों को दुश्मनों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था, जिससे वायुसेना ने बखूबी निभाते हुए कारगिल पर वापस भारत का कब्जा कराया। इसके साथ ही सेना ने भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए बोफोर्स तोप से दुश्मनों के दांत खट्टे किए। हमने सिर्फ 2-2.5 घंटे अपने एयरपोर्ट बंद किए, उसके बाद से वह शुरू कर दिए। वहीं पाकिस्तान ने तो कई दिनों तक अपने एयरपोर्ट बंद रखे थे। वहीं पाकिस्तान की आर्थिक हालात आज क्या हो गई है और भारत की क्या है, इसे भी देखना होगा। इस अवसर पर CNC सेंट्रल एरिया कमांड राजेश कुमार और वेस्टर्न एरिया कमांड के R नाम्बियार मौजूद थे। यह दोनों ही एयर मार्शल कारगिल युद्ध में अपने जौहर पराक्रम दिखा चुके हैं। देखिए कैसे हमारे सैनिक निर्भीक होकर दुश्मन का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अद्भुत। We wanted to send them a message without starting a war. If you recollect at that time most of us were deployed for that operation. So it was a secret and hush hush affair. We didn't want to let anybody know we are coming, and fortunately for us, we knew also that from Sagar and the dropping of the first designated bomb, Miraj took off the aircraft 20 years back, which turned the tide of Kargil ops. May now request the chief of the air staff to kindly make his opening remarks. INC 24 News के लिए ग्वालियर से निकेश शर्मा की रिपोर्ट।